यदि आप सोच रहे हैं तो यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप जरूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। थिंकिंग आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग आपकी प्रॉब्लम है। कभी किसी व्यक्ति की बातें इतनी डीपली ले लेते हैं कि हमें उसे सोच सोच कर परेशान होने लगते हैं, यह सब ओवर थिंकिंग के कारण होता है। इससे कभी कभी हमारा सर दर्द भी होने लगता है। यदि यह ओवर थिंकिंग लगातार होती रहती है या हम लंबे समय तक ओवर थिंकिंग करते हैं तो यह सर दर्द हमें हमेशा होने लगता है। हम इसे दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ कह देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम सोचते हैं कि यह ज़रूरत से ज़्यादा बोल गया, हमें भी वहाँ कुछ कहना चाहिए था, परंतु उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हम सोचते हैं कि यह व्यक्ति हमसे दोबारा मिलेगा तो हम इसे बिल्कुल ऐसी बातें कहेंगे। हमारे पेरेंट्स भी यदि हमें कुछ कह देते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि यदि ये हमारे अपने होते तो हमें ऐसी बातें नहीं कहते। हम एक सेकेंड के लिए सब मोह माया त्याग देते हैं और सोचते हैं कि कहीं घर से भाग जाए, परंतु यह बिल्कुल गलत है। वह आपके बारे में ऐसी धारणा बिल्कुल नहीं बनाते हैं। फिर हम कभी कभी दूसरे व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि यह मुझसे अच्छा कर पा रहा है परंतु मैं अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको एक सामान्य सा फ़र्क बताता हूँ। आप हमेशा सोचते रहते हैं, आप हमेशा थिंकिंग करते रहते हैं, परंतु वह सामने वाला व्यक्ति सोचता है, फिर उस काम को करता है और फिर परिणाम को हासिल करता है। ऐसे जैसे कि वह पहले अपने काम के बारे में सोचता है, थिंकिंग करता है, फिर एक्शन लेता है और फिर उसको रिजल्ट मिल पाता है। यही कारण है कि वह आपसे अच्छा कर पाता है। कई बार हमें मनचाही चीज़ ना मिलने के कारण भी हम ओवरथिंकिंग का शिकार होने लगते हैं। यह आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यदि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एयरलाइंस में काम नहीं मिला तो उन्होंने हार नहीं मानी और अपने काम को लगातार करते गए और एक दिन भारत के एक महान साइंटिस्ट के रूप में उभरे। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण किया और आज हम उन्हें APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उस व्यक्ति ने मनचाही चीज़ को न मिलने पर भी हार नहीं मानी। उसने सोचा होगा कि ईश्वर ने उन्हें एक और मौका दिया है, जिससे कि वो अपने आप का प्रदर्शन और थिंकिंग के कारण कई बार हम अपने काम, रिलेशनशिप या फिर दूसरों की बातों को इतना डीपली ले लेते हैं जिससे कि हमें रात रात भर नींद नहीं आती। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यदि आप अपने काम से परेशान हैं तो उसे जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें, या आप अपने रिलेशन से परेशान हैं तो उसे एक दूसरे से व्यक्त करने की कोशिश करें, जिससे कि आप रिलैक्स महसूस करेंगे और आपका बोझ भी उतर जाएगा और आपकी बातें सामने वालों के दिल पर लगेगी। शर्मिंदगी महसूस करना। कई बार हमारे दिमाग में वह शर्मिंदा वाले क्षण याद आते हैं, जिससे कि हम अपने आप के बारे में सोचते हैं कि मैं जीवन में यह कर नहीं पाया या बन नहीं पाया या किसी चीज़ को मैं पा नहीं सकता। ऐसा सोचने से आप अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ऐसा सोचें कि भगवान ने मुझे अच्छा करने, अच्छा बनने, अच्छा पाने का नया अवसर दिया है, तो मैं इसे और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। कई बार हम अपनी पास्ट की गलतियों के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर बुरा फील करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमने अपने पास्ट में इतनी सारी गलतियाँ की हैं तो मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। ऐसे ख्यालात आपको आगे नहीं बढ़ने देते। आप अपने पास्ट की गलतियों से सीखने की कोशिश कीजिए कि मैंने अपने पास्ट में जितनी सारी गलतियाँ की हैं, मैं उनको कैसे सुधार सकता हूँ और मैं उससे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। वर्तमान में जिए और पास्ट की जो गलतियाँ कर रखी हैं उस पर फोकस करके अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। मेरा मानना है कि आपका जीवन उज्जवल होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं या आपके आने वाले भविष्य का निर्माण करता है, जैसे कि आप अपने भविष्य को कहाँ तक ले जा सकते हैं। परेशानियाँ। हम अपनी परेशानियाँ बातों को दिमाग से नहीं निकाल पाते। कई बार हमारे साथ ऐसा पर्सन नहीं होता है जिससे कि हम अपनी फीलिंग को शेयर कर सकें, वह हमारे दुख को समझ सकें। इसलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने कॉपी में अपनी परेशानियाँ या बातों को लिखने की कोशिश करें, जिससे कि आपका मन हल्का हो जाएगा और आप अच्छी फीलिंग महसूस करेंगे। लोगों की बातों को सोचना। कई बार हम लोगों की बातों को इतना डीपली ले लेते हैं जिससे कि हम निकल नहीं पाते हैं। हमें डर लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। यही बात सोच सोच कर हम में उस काम को करने की प्रतिभा, योग्यता और क्षमता होती है, फिर भी हमें जीवन में निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि हम उन लोगों की बातों को इग्नोर नहीं करते, हम उन लोगों की बातों को सीरियसली ले लेते हैं। हमें लोगों की बातों को इग्नोर करना है। हमें घूमना चाहिए जिससे कि हमारा माइंड शांत और फीलिंग बेटर हो जाएगी और हमें ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सकती हैं।